Hi friends, today I am sharing my beautiful party wear and festival dress collection. I hope you like my video. तो मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और ये एक पार्टी वियर और फेस्टिवल टू इन वन ड्रेस है और ये वन पीस है और इसकी लेंथ जो है घुटने तक है। तो ये बहुत ही प्यारा है और इसका फैब्रिक जो है बहुत ही बहुत प्यारा फैब्रिक है। विंटर स्टफ में है थोड़ा सा, क्योंकि अभी विंटर स्टार्ट होने वाले हैं तो आप इसे दिसंबर तक ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। और बहुत प्यारा इसमें पूरा फ्लावर का जो है प्रिंट दे रखा है, बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी ड्रेस पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट्स करें और आप फेस्टिवल के लिए आप मुझे ये ड्रेस ऑर्डर कर सकते हैं। पीछे जिप दे रखा है, आप अच्छी तरीके से इसे चेकआउट कर लीजिए। बहुत ही प्यारा पार्टी वियर ये वन पीस है और आप चाहे तो इसे लेगी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसका जो लेंथ है बहुत अच्छा है, आप इसे वन पीस के तौर पे ही यूज़ कर सकते हैं। एक ये टॉप है, ये पूरा नेट का टॉप है और इसकी डिटेलिंग पूरा नेट है और बहुत ही प्यारा ये भी टॉप है। फुल बाजू का इसका बाजू है इसका फुल, आप देख सकते हैं इस तरीके से। इसके अंदर जो है आपको इनर कैरी करना पड़ेगा, फुल बाजू है और इसके पूरा जो है इसका नेट का फैब्रिक है और पूरा फैब्रिक पे भी बहुत अच्छा कट का डिज़ाइनिंग दे रखा है। ये नीचे का आप देख सकते हैं, पूरा इसका वर्क जो है बहुत ही प्यारा है, गोल्डन ब्लैक का और ग्रे कलर का कलर के ऊपर ये जो डिज़ाइनिंग दे रखी है बहुत ही प्यारा है। आप अच्छे तरीके से इसे इसकी डिटेलिंग देख सकते हैं। ये सेकंड टॉप भी है, बहुत प्यारा है, आप इसे भी ऑर्डर दे सकते हैं। मैं आपको जितने भी टॉप का कलेक्शन दिखा रही हूँ, आपको उनमें से अगर कोई भी पसंद है तो आप फेस्टिवल के लिए मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। दिवाली, दशहरा और आने वाले फेस्टिवल के लिए बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है मेरे पास और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो कि मैं शेयर कर रही हूँ। इसके बाद एक वीडियो और आने वाली है कलेक्शन के ऊपर। ये एक सलवार है, बहुत ही प्यारा सलवार है और कॉटन स्टफ के ऊपर है और इस तरीके से देख सकते हैं। ये एक सलवार, इसको धोती धोती बोलते हैं, धोती स्टाइल में है ये पूरा और ये रखने की वजह से थोड़ा सा ऐसा हो गया है। ये सारे मेरे कलेक्शन है बहुत अच्छे, इसमें मेरे पास चार कलर अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं ये पीच कलर है और ये बेल्ट है, पीछे रबड़ है, बहुत ही प्यारा और अच्छा ये धोती स्टाइल सलवार है। आप इसे चाहे तो कुर्ता पे, चाहे तो आप टॉप के साथ किसी पे भी कैरी कर सकते हैं। अगेन ये एक टॉप है, ये भी बहुत ही प्यारा टॉप है, ब्लैक लाइनिंग के साथ है और पूरा वर्क दे रखा है नेट के ऊपर, डिटेलिंग है इसकी बहुत अच्छी और इसके बाजू जो है नीचे के साइड से ओपन बाजू है, बहुत अच्छी है डिज़ाइनिंग दे रखा है इसका। एक तरह से आपका ये पोचू का भी काम करता है, इसका ऊपर से जो डिज़ाइनिंग दिया है पोचू की तरह जॉइंट है इसका, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये सिर्फ आपके बाजू के ऊपर आएगा, नीचे कोई स्टिच नहीं दे रखा है। आप देख सकते हैं पहनने के बाद ये टॉप बहुत ही प्यारा लगने वाला है। मैं आपको जितने भी टॉप शेयर कर रही हूँ, आप उनमें से किसी भी टॉप का या फिर कोई भी ड्रेस आपको पसंद आती है आप उनमें से मुझे ऑर्डर दे सकते हैं, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। कलेक्शन मेरे पास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। कोई भी ड्रेस अगर इनमें से मैंने
कैरी किया है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा। तो मैं ये सब सारा आपसे बस शेयर करने के लिए आपको दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं, एक जीन्स के कपड़े में ये फ्रॉक स्टाइल है। पीछे से इसका जो है डिज़ाइनिंग, जो लेंथ है वो काफ़ी लॉन्ग है और आगे से शॉर्ट है, और कट बाजू है, बहुत प्यारा। इसको आप जीन्स के साथ, लेगी के साथ, किसी के भी साथ कैरी कर सकते हैं इजली। और इसमें एक चैन दे रखा है नेकलेस टाइप का। ये एक्चुअली पैकेजिंग रखने की वजह से ये सारे ऐसे हो गए हैं, मैंने क्योंकि इनको अपने बेड पे ऐसे ही रख रखा था शेयर करने के लिए वीडियो, तो ये थोड़ा सा ऐसे हो गए हैं। और एक टॉप ये है, और इसका भी मैंने, मेरे पास एक टॉप है सेम ब्लू कलर का, मैंने निकाला था जब मैं लेके आई थी। तो ये सारी चीज़ें मैं लेके आती हूँ, और ये सब मैं ऑनलाइन परचेज करती हूँ। मेरी शॉप भी है गारमेंट्स की, देख सकते हैं, बहुत प्यारा टॉप है ये भी। और इसके जो गले पे रबड़ का पूरा दे रखा है। और एक ये जैकेट है, आप इसे विंटर में इजीली यूज़ कर सकते हैं, और ये 2-in-1 है, आप इसे समर में भी यूज़ कर सकते हैं। फुल बाजू की लेंथ है इसकी, सॉरी। और ये इसका कपड़ा जो है वेलवेट स्टफ में है, और बहुत अच्छा इसमें जो प्रिंट दे रखा है स्टार का, वो बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रंट में इसके लॉन्ग चैन दे रखा है, तो आप इसे सैंडो के साथ या कोई भी हाफ बाजू टॉप के साथ इसे इजली ऊपर से डाल सकते हैं। बहुत प्यारा ये जैकेट था, बहुत प्यारा जैकेट है ये, देख सकते हैं इस तरीके से। आप सारे कलेक्शन अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगेन एक ये भी पीच कलर का टॉप है फुल बाजू में, इसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल सिंपल है। और इसमें एक चैन दे रखा है गले पे, और बाजू में डिज़ाइनिंग है थोड़ा सा, बटन फैंसी बटन है इसमें। चाहे तो आप इसे ओपन रख सकते हैं बटन को, चाहे तो आप बंद कर सकते हैं। बाजू भी इसका इस तरीके से दे रखा है, थोड़ा बैलून स्टाइल टॉप है ये, लेकिन बहुत आपको ज़्यादा बैलून नहीं है इसमें, तो बहुत ही अच्छा टॉप है ये भी, बहुत प्यारा। और कलर की वजह से बहुत प्रिटी लग रहा था, और साइड में नीचे रबड़ से थोड़ा सा डिज़ाइनिंग दे रखा है। इसका बैक है, ये इसका फ्रंट है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा ये टॉप भी मुझे। अगेन ये टॉप जो है ये डबल स्टॉप में है, इसके अंदर जो है सैंडो स्टाइल दे रखा है लाइनिंग के साथ, और ऊपर नेट फैब्रिक है इसका, और बहुत पॉम्पम के साथ इसका है टैसल, इसमें टैसल की डिज़ाइनिंग दे रखी है, बहुत अच्छा है। और ये जो नेट है वो पूरा वी शेप में इसकी कटिंग है, पोचू स्टाइल टॉप है ये भी, बहुत प्यारा है इस तरीके से, देख सकते हैं। बस गले पे इसका जो है डिज़ाइनिंग ये जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा पोचू स्टाइल टॉप है ये, बिल्कुल सिंपल टॉप है, लेकिन बहुत बहुत अच्छा ये भी लग रहा है डिज़ाइनिंग इसका। नीचे जो नेट वी शेप में आ रहा है इसका, इस तरीके से बाजू है इसमें, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है ये इस तरीके का डिज़ाइनिंग जो है दिवाली वगैरह के फेस्टिवल के लिए बहुत अच्छा है। अभी जो है मैं एक पार्ट में वीडियो शेयर नहीं कर पाऊँगी, मुझे इसके 2-3 पार्ट बनाने पड़ेंगे। और ये टॉप है, ये भी जो इसका जिस पे टेडी बन रखा है वो नेट है, और अंदर सैंडो दे रखा है, और इसका नेट जो है बहुत मोटा वाला नेट है, इसकी वजह से ये बहुत अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल सिंपल है। आप इसे कहीं मार्केट वगैरह के लिए कैरी कर सकते हैं, और कितना क्यूट सा टेडी बना हुआ है इसमें। और इसका फैब्रिक नेट का देख सकते हैं, बहुत अच्छा वाला नेट है, और जल्दी ख़राब होने वाला नेट नहीं है ये, बहुत मोटा स्टफ नेट यूज़ किया गया है इसमें। एक ये जींस स्टाइल में और फ्रॉक है, और इसे भी आप लेगी के साथ, ब्लैक लेगी के साथ, चाहे तो जींस के साथ विंटर में कैरी करिए, बहुत प्यारा
ये भी है और इसका लेंथ भी घुटने से नीचे तक है, बहुत प्यारा। चाहे तो आप इसे वन पीस में भी यूज़ कर सकते हैं, कट स्लीप है इसमें, यहाँ पे एक कट डिज़ाइन दे रखा है, सेम डिज़ाइनिंग बैक में भी कट एक दे रखा है और ऊपर थोड़ा सा स्टोन वर्क हो रखा है, तो बहुत प्यारा है ये। अंदर इसके आई थिंक बाजू नहीं है, तो ये कट स्लीप में ही है, मैंने चेक कर लिया है, तो बहुत अच्छा ये भी लग रहा है डिज़ाइनिंग। इसे भी आप चाहे तो लेगी के साथ वगैरह कैरी कर सकते हैं एज अ विश। उसके बाद एक ये फ्रॉक और है और ये कॉटन में है, इसके साथ एक बेल्ट दे रखा है, बेल्ट के साथ है और इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है, वाइट के ऊपर बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर से प्रिंट है इसका, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे ये बेल्ट यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो नहीं यूज़ कर सकते हैं। और इसकी लेंथ तो बहुत लंबी लेंथ थी, आपके पैरों से थोड़ी सी बस हल्का सा वो कट आएगा, बाकी घुटने के काफ़ी नीचे तक ये इसकी लंबाई दे रखी है। इसका प्रिंट और इसका जो कॉटन का स्टफ़ है वो भी बहुत अच्छा है। प्लीज़ अगर आपको इनमें से कोई भी ड्रेस पसंद आती है तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करना। ये एक बास्केट है और हाफ जीन्स की जैकेट भी बोल सकते हैं। सॉरी, तो इस तरीके से आप इसे सैंडो के ऊपर या टी शर्ट के ऊपर या टॉप के ऊपर कैसे भी आप इसे चाहे तो कैरी कर सकते हैं, बहुत प्यारा है ये भी। और इसके बाजू पे और इसके फ्रंट में बहुत प्यारा कट दे रखा है। बहुत ही प्यारा बास्केट है ये भी, इसके भी मेरे पास 3 से 4 पीसेस बचे हुए हैं। एक ये पोचू है पिंक कलर का, ये भी बहुत प्यारा पोचू है और इसका घेरा वगैरह बहुत ज़्यादा इसमें घेर है। चाहे तो आप इसे साड़ी पे, सूट पे या फिर टॉप के ऊपर कैरी कर सकते हैं, सैंडो के साथ इसे कैरी कर सकते हैं, विद जीन्स के साथ, नीचे जीन्स डाल लीजिए और ऊपर से एक सैंडो पिंक कलर का और उसके बाद ये पोचू डाल लीजिए, बहुत ही प्यारा और खिलकर आएगा आपका पूरा पैटर्न जो है, ये देख सकते हैं बहुत प्यारा। इसका लेंथ जो है पोचू का बहुत लॉन्ग है, तो ये इसकी वजह से बहुत अच्छा दिख रहा है। उसके बाद ये एक सी ग्रीन कलर का टॉप है और ये बिल्कुल सिंपल और शोवर टॉप है, बहुत प्यारा है और इसके अंदर बाजू दे रखा है, आप चाहे तो बाजू लगवा सकते हैं, नीचे ऐसा लाइनिंग वाली आपको एक हाफ सैंडो है और ऊपर से ये सी ग्रीन कलर का एक अलग से ज्वाइंट कर रखा है, साइड में दोनों साइड में कट है और डोरी वगैरह दे रखी है जिस तरीके से, तो बहुत प्यारा लग रहा है ये भी। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये आएगा पूरा आपका, और पूरा अच्छा फिटिंग आएगा इसमें, तो बहुत अच्छा ये पहनने के बाद लगेगा। उसके बाद सबसे प्यारा टॉप ये ब्लैक है, बहुत ही प्यारा टॉप है ये, इसका जो कट है और बैलून स्टाइल है, ये चारों तरफ से इसमें इस तरीके से कट दे रखा है, बहुत प्यारा है। और एक इसमें सिंपल सा बस रोज का पैच वर्क लग रखा है, जिसकी वजह से ये टॉप ब्लैक के ऊपर बहुत ज़्यादा खिल कर आ रहा है, रेड रोज इसमें पैच वर्क है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा ये टॉप है ये। आई होप कि ये वाला टॉप आप सबको बहुत पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करना। देख सकते हैं नीचे भी बहुत ही ज़्यादा, चारों मतलब पूरा बाजू से लेके नीचे तक इसमें बहुत अच्छी तरीके से कट दे रखा है, जिसकी वजह से ये बहुत
खिल कर आ रहा है ये टॉप, ये ब्लैक वाला। हाँ उसके बाद एक ये नेवी ब्लू कलर का लाइनिंग के साथ ये टॉप है, और इसका बाजू का डिज़ाइनिंग जो है बहुत प्यारा है। इसका एक पीच कलर का टॉप मैंने ऑलरेडी पहन रखा है, और ये उसका सेकंड कलर है ब्लू कलर, बहुत प्यारा। बाजू पे बहुत ज़्यादा कट है, और यहाँ पे एक रबड़ दे रखा है, रबड़ की डिज़ाइनिंग दे रखी है, और ओपन बाजू है। जितने भी ये टॉप हैं इनके बाजू के जो डिज़ाइनिंग है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो लॉन्ग बाजू है, लेकिन कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग दे रखा है, जिसकी वजह से ये सारे टॉप बहुत खिल कर आ रहे हैं। आपने अभी तक इस टाइप के टॉप ऑनलाइन वगैरह नहीं देखे होंगे, क्योंकि मैंने जो मेरे जो कलेक्शन है वो बहुत मैं चूज़ करके लाती हूँ। मेरे जो कलेक्शन है वो मेरे कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसका मेरे पास अभी और पैकिंग भी में भी रखा है, ये दूसरा पीस है इसका सेम, अभी और भी रखा हुआ है। ये सैंडो मैंने एक निकाला हुआ है पहनने के लिए, और एक इसका ये अभी इसके और भी कलर है इस सैंडो के, तो अभी उसको मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं सिंगल सिंगल शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आप सैंडो के साथ इसे आप कैरी कर सकते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से आप चाहे तो दोनों पीस एक साथ मंगवा सकते हैं, और चाहे तो सिर्फ बास्केट यूज़ कर सकते हैं, और आप इसे चाहे जिस मर्ज़ी के साथ यूज़ करें। आपके पास कोई भी टॉप हो उसके साथ ये ब्लू, ऑलरेडी ये जीन्स के कपड़े में है तो ये बहुत ज़्यादा खिल कर आने वाला है। अगेन ये एक मेरे पास लेगी है जो कि पूरा वेलवेट के कपड़े का है, और इसका अंदर का स्टफ देख सकते हैं बहुत मोटा है, जो कि विंटर में यूज़ होने वाला है। ये जो पैजामी है ये विंटर में ही यूज़ हो सकता है, क्योंकि इसका स्टफ जो है बहुत मोटा है, और ये पूरी बॉडी फिटिंग पैजामी है, और ये बहुत ज़्यादा इसका फ्लावर प्रिंट वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत खिल कर आने आएगा अगर ये पहना जाए तो। और ये टी शर्ट वगैरह के साथ बहुत अच्छा लगेगा, देख सकते हैं इसका स्टफ बहुत मोटा है, इसमें आपको विंटर में बहुत यूज़फुल है। एक मैंने निकाल रखा है ब्लैक कलर का, इसे मैंने परचेज किया था। ये एक ब्लू टॉप है, इस ये भी बिल्कुल सिंपल है, बट इसकी बहुत प्यारा जो आगे का वर्क दे रखा है फ्रंट का वो बहुत प्यारा है, आफिल टावर वगैरह बन रखा है इसमें, बहुत 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 प्यारा ये भी टॉप लगा। इसकी डिटेलिंग जो है, इसमें जो वर्क हो रखा है, ऐसा नहीं है कि आपको ये धोने के बाद निकल जाएगा, बहुत मजबूती के साथ इसका जो है डिज़ाइनिंग बना रखा है। बस अगर आप इस पे ब्रश मारेंगे तो ज़रूर ये निकलेगा। अगर इजली आप ये कपड़े जो है इजली धुलने वाले हैं, इनको रगड़ने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। एक ये खाकी में है, और ये भी बहुत प्यारा है। मैंने आपको जो भी ड्रेस दिखा रही हूँ, अगर आपको कोई भी पसंद आता है तो आप प्लीज़ मुझे ऑर्डर करें, कमेंट्स मेरे चैनल पे कमेंट्स करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही मैं इसके डिटेल्स शेयर करूँगी, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों को मुझे देखना पड़ता है, इसके लिए सॉरी। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे परचेज करने में तो ही मैं डिटेल दे पाऊँगी, तो देखते जाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, शेयर कमेंट्स ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए मेरे सारे कलेक्शन।